इसलिए मैं अनीशा को दोबारा ऐसे किसी प्रोसेस से गुजारना नहीं चाह रहा। पर मुराद, कह दिया ना मोहन, क्यों बार बार एक ही बात करे जा रही है? अनीशा, इस कमरे का जितना भी सामान है सब उज़ैफा को दे दो। खामखा इस खाली कमरे को देखकर खुद को अजियत पहुंचाओ और ना मुझे। अब तू सब जान ही गई है तो तू ये भी जान ले फिर कि मैं तो बस मूसा से जान छुड़वाना चाहती थी। अब इसे इरफान की बदकिस्मती समझ लो या मूसा की खुशकिस्मती कि मौत ने इरफान का मुंह देख लिया। अब इसमें मेरा क्या कसूर? और ये ना इंसानियत इंसानियत का रोना ना मेरे सामने ना पीट। मैं तो रूही हूँ रूही जिसका मकसद ना सिर्फ अपनी खुशियां अपना असूल है और इसके लिए मैं कुछ भी कर गुजरूंगी। अनीशा के तो तैमूर जैसे बहुत से दोस्त, उनके साथ बेतकल्लुफ हो तो क्या इसका मतलब है कि कुछ गलत? आप ये क्यों भूल गई? अनीशा को कितने सालों से जानता हूं मैं, आप अब भी सोचेंगे कि उसके किरदार में ऐसा कुछ है। हाँ वही बात है जो तू समझ रही है, लेकिन इसका ना मूसा से कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है। अरे कैसे वास्ता नहीं है, वो इस बच्चे का बाप है। और तू एक बाप को अपने बच्चे से कैसे महरूम रख सकती है? जितना हक तेरा है ना उतना ही हक उसका भी है। बस कर दे अम्मा, मैं इस बच्चे पर ना मूसा का साया तक नहीं पड़ने दूंगी। वो रूही अपना बच्चा आपको देकर हर परेशानी से आजाद होना चाहती है। वो ये बात आज कह रही है, कल को अगर इस बात से मुकर गई तो उसे सामने बिठा कर अपनी तसल्ली कर ले। नहीं बुआ, रूही से बात करने का कोई फायदा नहीं, रात नहीं मानेंगे।